रंधावा जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, हेमाराम चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट्स हरीश चौधरी, अमीन खान, मानवेंद्र सिंह जी, मेहराम जैन जी, पद्मराम जी, मदम प्रजापति जी, सोनाराम चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। एक साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की, 4000 किलोमीटर, लाखों लोगों के साथ हम कश्मीर तक चले। बारिश में, तूफान में, बर्फ में पैदल चले और यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। हमें लगा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब सवाल उठता है और भारत जोड़ो यात्रा ने देश की राजनीति नफरत और हिंसा क्यों फैलाते हैं, इनको क्या फायदा होता है, आज मैं आपको यह समझाने आया हूं। जेब कतरे होते हैं, जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है, कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं, नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया,
पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी, कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा चार पांच उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं आपको, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 14 लाख लोगों में, 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया, मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए, ये हैं कितने। पूरा देश जानता है कि देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है, कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण इसलिए बदले क्योंकि वो पिछड़ों को उनका सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं, दलितों को, आदिवासियों को अपना सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश को एमपी एमएलए नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो, भाई बेटा क्या करना चाहते हो? छोटा सा छोटा बच्चा आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही, सब कहेंगे मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। उससे पूछो क्यों? क्योंकि आईएएस अफसर देश को चलाते हैं, एमएलए 5 साल चुनकर आता है, एमपी 5 साल चुनकर आता है, आईएएस अफसर पूरी जिंदगी बैठा रहता है और वो सरकार को चलाता है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं, नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी और 90 अफसर। पार्लियामेंट में मैंने सवाल पूछा, 90 अफसरों में से ओबीसी के कितने, दलित के कितने, आदिवासियों के कितने? भाइयों और बहनों, 90 अफसर में से जिनकी 50% आबादी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं,
खून पसीना देते हैं, 90 में से 3 पिछड़ों के अफसर हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो सिर्फ 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी। और नरेंद्र मोदी 24 घंटे कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। आदिवासियों की बात करता हूं, आपकी आबादी 12-14% है, आपकी भागीदारी 3 अफसर आपके और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लेते हो। और उनकी सारी की सारी योजना देख लो आप, कोई भी योजना देखो, फसल बीमा योजना देखो, फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए जाता है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। अच्छा, आपने ये नीली शर्ट पहनी हुई है, आपने ये नीली शर्ट पहनी है, जितना पैसा आपने जीएसटी में इस शर्ट के लिए दिया उतना पैसा अदानी जी इस शर्ट के लिए देंगे। जीएसटी गरीब और अदानी एक जैसे देते हैं। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदो, अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदे, जितनी आपने जीएसटी दी उतनी वो देगा। गरीब से गरीब व्यक्ति उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है। तो 35,000 करोड़ रुपए आपसे आया, जीएसटी से आया। नरेंद्र मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए 16 उद्योगपतियों को दिया, पूरा का पूरा योजना का पैसा 16 लोगों को दिया। भाइयों और बहनों, उन 16 लोगों में एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक जनरल कास्ट का गरीब नहीं। अब जब किसान का खेत नष्ट होता है, उसको नुकसान होता है, किसान फोन लगाता है, कहता है भैया हमने योजना का पैसा भरा, 5,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान ने दिए। फोन करता है, उसे कहा जाता है भैया तुम्हें योजना नहीं मिल सकती, तुम्हें योजना का फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें तो पैसा नहीं मिलेगा बीमे का। ईमेल लगाता रहता है, कोई जवाब नहीं मिलता। जीएसटी का पैसा, आपका पैसा, सीधा का सीधा 16 उद्योगपतियों को। अदानी को सारे एयरपोर्ट पकड़ा दिए, जयपुर एयरपोर्ट पकड़ा दिया, पोर्ट्स पकड़ा दिए, उनके लिए किसान बिल लाए। वो शुक्र की बात है कि किसान और कांग्रेस पार्टी खड़े हो गए, रद्द कर दिया हमने। मगर पूरा का पूरा फायदा उद्योगपतियों को। हमारी सरकार को देखिए, स्वास्थ्य योजना में हम हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक देते हैं। मुझे बताओ 25 लाख रुपए में से स्वास्थ्य बीमा योजना में से अदानी को कितना पैसा मिल रहा है? अदानी की जेब में कितना पैसा जा रहा है? 500 रुपए का हम सिलेंडर देते हैं, बताओ अदानी के जेब में कितना पैसा जा रहा है? यह फर्क है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, आप में से लोगों ने इलाज करवाया, किसी को कैंसर हुआ होगा, किसी को दिल की बीमारी होगी, चोट लगी होगी। आप में से सब लोगों ने राजस्थान में फ्री में इलाज कराया है, एक पैसा नहीं देना। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, 15 लाख रुपए मिल गए आपको। नोटबंदी से काला धन मिट गया क्या? किसान बिल से किसानों को फायदा हुआ नहीं? मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। अब हमने आपको सात गारंटी दी है। सबसे पहले राजस्थान के
हर घर में एक महिला को कांग्रेस पार्टी सीधा बैंक अकाउंट में साल के 10,000 रुपए डालेगी। इसमें से एक रुपया अदानी को नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी पहले शिकायत करते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया, उनके समय 1200 रुपए का है। चुनाव जीतने के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी सिलेंडर को 500 रुपए का कर देगी, अदानी को एक रुपया नहीं। आपका नुकसान होगा, बीमा में 15 लाख रुपए तक आपको पैसा मिलेगा। शिक्षा में हमने अंग्रेजी स्कूल का जाल बिछा दिया और अगली सरकार राजस्थान के हर युवा को अंग्रेजी सिखाएगी। अब आप किसी बीजेपी के नेता से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, वो आपको 24 घंटे कहेंगे कि भैया हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। मगर उनके बेटे के बारे में पूछोगे, उनसे पूछो भैया आपका बेटा कहां पढ़ता है, कहेंगे भैया हमारा बेटा तो अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। तो गरीबों के बेटे अंग्रेजी ना सीखे, आपके बेटे इंग्लिश मीडियम पढ़े। राजस्थान अंग्रेजी की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी मत पढ़ो, हिंदी सीखो। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसी से बात करनी है, हिंदी में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजस्थान में कोई विदेश से टूरिस्ट आए तो उसे हिंदी में बात करेंगे क्या, इंग्लिश में? आपको कोई कॉल सेंटर में काम करना है, 50,000 रुपए की नौकरी आपको चाहिए, कॉल सेंटर में अंग्रेजी में बात चलेगी, हिंदी में तो नहीं चलेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी से फायदा होगा, सीधी बात है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर युवा, हर माता पिता बड़े से बड़ा सपना देखे। आप पायलट बनना चाहते हो, आपके बेटे पायलट बनना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, यह मौका आपको भी मिलना चाहिए। किसान के बेटे को मिलना चाहिए, मजदूर के बच्चों को मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, हिंदुस्तान का धन चुने हुए लोगों के हाथों में रहे और 24 घंटा आपके ध्यान को इधर से उधर ले जाते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी एक जात को दूसरी जात से लड़ देंगे, कभी टीवी पे शाहरुख खान ऐश्वर्या राय को नचा देंगे, यही तो चल रहा है। आपके सामने निर्णय है, डिसीजन आपको लेना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, स्वास्थ्य के लिए, और उससे ज्यादा हम करने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी मैं सुनाता हूं आपको। सरकारी जो अफसर थे उनका जो ओपीएस स्कीम था, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, उनके जेब में से पैसा निकालकर अदानी को पकड़ा दिया। हमने फिर से ओपीएस स्कीम लागू किया, जो आपका हक बनता है हमने आपको वापस दिया। तो आप एक बात याद रखिए, यहां बीजेपी की सरकार आएगी तो जो कुछ हमने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, अंग्रेजी स्कूल हो, ये सारे के सारे काम बीजेपी बंद कर देगी, सब बंद हो जाएगा और यहां पे फिर से अदानी जी की सरकार चालू हो जाएगी। हमने साफ कह दिया है
कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन हम ऐतिहासिक कदम लेंगे, राजस्थान में जाति का सर्वे शुरू हो जाएगा।